हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डेपस फोटोग्राफी। कैसे हैं आप लोग? तो पिछली बार जैसे हमने बुलेट पे शूट किया था, तो इस बार हम भी सोच रहे हैं कि रोड पे पोस्ट ट्राई करें, और हम इसलिए हाईवे पे आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ रोड वाले पोस्ट ट्राई करेंगे आज। और जैसे पिछली बार आप लोगों ने बड़ा प्यार दिखाया, कुछ सब्सक्राइबर बढ़े, कुछ लोगों ने लाइक किया, कुछ लोग मिले, उन्होंने बताया कि वीडियो अच्छी थी और ऐसे बनाते रहो। तो उन सबको नज़र रखते हुए हमें लगा कि हाँ, हम और वीडियोज़ बनानी चाहिए, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और आज हम पोस्ट की वीडियो बना रहे हैं फिर से, और वो पोस्ट यहीं हाईवे पे रोड के पोस्ट चलेंगे। कुछ चार पांच पोस्ट ट्राई करेंगे और देखते हैं कौन सी पोस्ट कैसी है, कितनी अच्छी आती है। तो हम शूट करने चल रहे हैं अपने आज इस वीडियो के मॉडल का, हमारा भाई एकदम राज सिंह राणा, ठीक है। आज हम इसी का शूट करेंगे और यही पोजेस सारे ट्राई करेगा, और देखते हैं कैसे अच्छे पोजेस ये दे पाता है। और जो भी इसके और इसके इंस्टाग्राम का हैंडल मिलेगा, उस पर जाके इसको फॉलो कर लेना, और इसकी फ़ोटोज़ वहीं पर आप चेक कर सकते हैं, और इसके और भी फोटोज़ हैं, आप वहीं पर जाके इसको फॉलो करके देख सकते हैं। और देखते हैं, चलो ट्राई करते हैं कितने अच्छे पोज आज दे पाता है, और हम कितना अच्छा पोज करवा सकते हैं। में अपने हाथ को हम जेब में रखेंगे, और सेंटर पे रोड पे खड़े होकर जो पट्टी साइड पट्टी होती है उसका हम यूज़ करेंगे अच्छी तरीके से, और उसके ऊपर एकदम खड़े होना है। अब मैं जेब में हाथ रखते हुए बस एक कैप, हमारे पास अगर कैप है तो हम कैप भी यूज़ करते हैं, जैसे भी आपका आउटफिट आपका अच्छा लगे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कैप है तो हम कैप पहना के देखेंगे भाई को कैसा पोज निकलता है। और बस सिंपल नॉर्मल से खड़े होकर अपने सेंटर पर इस साइड देखना है। आप साइड कोई भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर जिस साइड आपको अच्छी फोटो लगे, आप उस साइड आराम से देख सकते हैं और फोटो को क्लिक करवा सकते हैं। और एक पोज और भी है रोड पर ही, सिर्फ स्टैंडिंग में हम एक बार तो नॉर्मल खड़े हैं, और अगर और कुछ और ट्राई करना है तो हमें कुछ नहीं, बस नॉर्मल से वही पैर को अपने फोल्ड कर लेना, को क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करते हुए भी बस फेस का एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, यहाँ वहाँ आप देख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे हम फोटो क्लिक करके देखते हैं। तो तीसरे पोज में हम बहुत ही आसान सा पोज ट्राई करने चल रहे हैं। सभी घूमते हैं आराम से रोड पे चलते हुए फिरते हुए पोज, बहुत से फोटोज देखी होंगी आपने, तो उसमें हमें कुछ करना नहीं आता, बस चलते हुए हम आप आना, ठीक है। आप जेब में हाथ डाल सकते हो, ऐसे फोल्ड बाजू को फोल्ड कर सकते हो, बस कैमरे एंगल पर नहीं देखना, कैमरे की ओर नहीं देखना, हमें इस साइड देखना है और फोटो क्लिक करवानी है। ऐसे रखना नहीं चाहिए कि आप फोटो क्लिक करवा रहे हो, आप मस्त अपने मूड पर घूमो, ऐसे बिल्कुल भी ना लगे कि हम फोटो क्लिक करा रहे हैं। एकदम रैंडम शॉट खींचेंगे और कंटीन्यूअस मोड फोटो खींचेंगे, क्योंकि 7-8 फोटो इकट्ठे खींचेंगे तो शायद एक दो फोटो बड़ी अच्छी मिल जाए। और हाँ, एक पोज हम और भी ट्राई ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि हम फ्रंट में चलते जाते हैं, तो वैसे एक पोज ये भी है कि बैक से, मतलब हम इस साइड से चलते हुए जा रहे हैं और हमें लुक ऐसे पीछे देना है ऐसे। एक तो हम फ्रंट पे दे सकते हैं पोज, और दूसरा पोज ऐसा हो सकता है कि हम ऐसे फ्रंट बैक पे जा रहे हैं और हमें पीछे मुड़ के देखना है बस एक बार, जैसे कि कोई आवाज़ मार रहा हो, ठीक है। और हम पोज को ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं पोज कैसा आता है। चलो पोज ट्राई करें। हम ट्राई करेंगे सिटिंग पोज, हमने अभी तक तीनों पोज किए वो स्टैंडिंग पोज ही थे, तो अब हम चौथे पोज हम ट्राई करेंगे बैठ के पोज करने के लिए। वैसे हम पोज को और ये भी कोशिश करेंगे कि बीच में ट्राई कर लें, वैसे अभी हम ट्राई नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है, लोग आ जा रहे बहुत रहे हैं, तो अगर वहाँ पर हमें मौका मिले तो वहाँ शूट करेंगे, और नहीं हुआ तो आप शूट कर सकते हैं अगर कहीं लोकल आपके गाँव में या शहर में कभी भी कोई खाली रोड होता है उस पर आप ट्राई करते हैं बीचों बीच, अगर नहीं है तो फिर हम साइड में ट्राई करके देखते हैं कैसा आता है पोज। तो हमें कुछ करना नहीं है इस पोज में, हमें सिर्फ अपने राइट पैर को या लेफ्ट पैर को जो भी आपको सही लगे, वैसे हम ट्राई करेंगे लेफ्ट पैर को आगे रख के पोज करने के लिए। तो हम पोज को कुछ करना नहीं, हमें एक पैर को अपने आगे रखना है और एक पैर पीछे से, हमें पूरा नहीं बैठाना अपने पैर को रखना, बस ऐसे हाफ हाफ करके रखना है, फोल्ड करना है, और दोनों हाथों को ऐसे आराम से जोड़ लेना है, ऐसे कुछ करते रहना है, मूवमेंट रखेंगे अपने हाथ में, हमें कैमरे में सामने नहीं देखना,
आप देख सकते हैं, अगर अच्छी फोटो आती है तो आप वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश आपको बताऊँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप कैमरे पर ना देखें, आप लेफ्ट राइट अपना देखें, ऊपर नीचे देख सकते हैं। और फोटो को क्लिक करके हम देखेंगे कि फ़ोटो कैसी आई है, ये पोज कैसा लग रहा है। पांचवा पोज भी बैठने वाला पोज ही होगा। हमें कुछ नहीं करना, जैसे हम पिछली पोज में सामने से फोटो क्लिक करवा रहे थे, हमें पीछे हमारा पूरी बॉडी पीछे रहे, ऑफिस हमारा फेस आपको पीछे देखे, जैसे कि कोई बुला रहा हो और हम पीछे देखने की कोशिश करें। कुछ इस तरह पोज करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, पूरी बॉडी हमारी इस तरफ रहेगी, पीछे को रहेगी, बस हमारा ये हाथ यहाँ पीछे रहेगा और ये वाला हाथ घुटने पर, और हमें ऐसे एंगल कैमरे की तरफ देखना है। कुछ इस तरह पोज रहेगा। तो गाइज यही थे वो सारे पोजेज जो हमने ट्राई किया, और आपको जो भी पोज अच्छे लगे हों आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे कि हमेशा बोलता हूँ कि जो भी पोज आपको अच्छे लगते हैं आप कमेंट करें, आपके पास जब भी कोई पोज हो आप हमको बताएं ज़रूर, ताकि हम उसको अपनी किसी और चीज़ में या किसी और पोर्टफोलियो में किसी उसको यूज़ कर सकें। और जो भी आपने अगर वीडियो पूरी देखी, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो कर जाए अच्छे से। और आशा देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई मॉडल को, जिन्होंने मेरे वीडियो में आके मतलब मेरी हेल्प की वीडियो में आके, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ भाई, बहुत बहुत थैंक यू। सपोर्ट करना सभी लोग, चैनल सब्सक्राइब करना, भाई को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना। और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे भाई आर्यन गुप्ता, इनके भी लिंक भी आपको इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसको भी फॉलो करें, इसकी भी फोटो अच्छी अच्छी हैं, आप उसे जाके इसको ज़रूर से फॉलो करें। और बस इन लोगों को मैं थैंक यू करता हूँ, और थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। हैं अगली वीडियो में।